हेलो गाइस वेलकम यू ऑल ऑन यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद हम यू पी पी के शुरू कर देंगे वीडियोस लाना तो ये हमारा पहला है वीडियो इस सीरीज़ का तो ये इसमें हम सिर्फ यूपी की जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जैसे कि उसका जियोग्राफिकल एरिया है कितने स्टेट्स के जित जितने डिस्ट्रिक्स हैं वो कितने स्टेट्स से शेयर करते हैं ये नॉर्मल और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फैक्चुअल है आ जाते हैं ठीक है तो जैसे कि आप सबको पता होगा अभी जो 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था यूपी के कंटेक्सट में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और प्लस यूपी के करंट अफेयर तो मैं ये आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है आर ओ का उसमें आप यूपी को मत छोड़ के मत जाइएगा ठीक है तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करंट अफ़ेयर यूपी और जो भी अदर पार्ट्स हैं इस एग्ज़ाम के वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे तो एक तरीके से ये पूरी सीरीज़ चलेगी जिसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे हम और हमारे चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी चलते हैं तो अगर त, अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ गाइस कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये और चैनल में अगर आप नहीं आए हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे उसको प्लीज़ आप फॉलो करिएगा ठीक है तो स्टार्टिंग करते हैं इसके फॉर्मेशन डेट से तो उत्तर प्रदेश कब बना था एक्चुअल में चौबीस जनवरी उन्नीस में ये मैप है और मैं एक और सजेशन दूंगी जब भी आप यूपी पढ़िएगा मैप साइड में लेके ही पढ़िएगा क्योंकि अगर जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है तब तक आप नहीं कर पाएंगे चीज़ें क्लियर इतनी नहीं हो पाएगी तो मैप के साथ पढ़िए जब भी यूपी पढ़िएगा चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो मिनरल से रिलेटेड हो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहती है ठीक है एग्रीकल्चर सारी चीज़ें ए टू जेड यूपी से रिलेटेड तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट 24 जनवरी 1950 को हुआ था इस स्टेट का रीफॉर्मेशन एक नवंबर 1956 को हुआ था जब उत, उत्तराखंड को हटा दिया गया था इस, स्टेट से निकाल दिया गया था उत्तर तो प्रदेश डेट कब बनाया जाता है डे 24 जनवरी नेम ऑफ द प्रोविंस जो कि प्रीवियस प्रीवियस ईयर्स में जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता था जैसे 1836 को 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का नाम से जाना जाता था फिर 1877 में नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस आगरा एंड अवध ऐसे इन इन ईयर्स में ऐसे ऐसे नाम से जाना गया है तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नॉर्मल सी बातें फॉर्म है तो उसका नाम उस उत्तर प्रदेश से जाना गया स्टेट कैपिटल अभी रिसेंट में लखनऊ है 1921 से उससे पहले आपका आगरा था 36 सिक्स 1836 से 1858, फिर अलाहाबाद 1858 से 1921 तक ठीक है एरिया के बारे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश टू लैक फोर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है जो कि माइल्स में देखा जाए तो नाइन्टी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए इंडिया के रिस्पेक्ट में तो ये टोटल सेवन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट कैरी करता है और टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में देखा जाए तो ये फोर्थ नंबर पे है टर्म्स ऑफ एरिया में बाकी पहले नंबर पे है आपका राजस्थान ठीक है दूसरे पे है आपका एमपी तीसरे में है महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है ही लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है ध्यान दे ले दे देना लेंथ अगर देखा जाए ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट अगर लेंथ देखा जाए तो ये रहा आपका वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ बात कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है 650 किलोमीटर और नॉर्थ टू तो साउथ अगर देखा जाए तो 240 किलोमीटर है ठीक है फिर अर्बन एरिया अर्बन एरिया कितना है इसका सेवन लाख फाइव फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन स्क्वायर किलोमीटर और रूरल एरिया है ये आपका स्क्वायर किलोमीटर देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट विथ हाइएस्ट एरिया ये इंपॉर्टेंट है ठीक है डिस्ट्रिक्ट विथ हाइएस्ट एरिया इज़ लखीमपुर खेरी कितना है टोटल सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी स्क्वायर किलोमीटर लखीमपुर और डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट एरिया इज़ भदोही जो कि आपका हज़ार पंद्रह स्क्वायर किलोमीटर कैरी करता है बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अर्बन एरिया ध्यान दीजिएगा इसमें अर्बन एरिया के बारे में पूछा है तो आपका लखनऊ है और अगर स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट बोला जाए अर्बन एरिया का तो वह है श्रावस्ती ठीक है श्रावस्ती बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन तो वह है आपका गाज़ियाबाद थर्टी वन पॉइंट सिक्स लैख और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा पूछा जाए पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन में तो वो है आपका श्रावस्ती लार्जेस्ट सिटी विथ अर्बन पॉपुलेशन इज कानपुर मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो ये है आपका बलिया ठीक है ये आपका बलिया ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है अगर मैं बोलूँ ये है अपना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो ईस्टर्न में क्या पड़ रहा है आपका बलिया नद और ये वेस्टर्न में क्या पड़ रहा है आपका शामली और नदन में, में आपका क्या पड़ रहा है सहारनपुर ठीक है और साउथ में आपका सोनभद्रा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट फिर हाईएस्ट रेनफॉल स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा बारिश होती है तो वो है आपका गोरखपुर 184.7 मिलीमीटर mm और लोवेस्ट रेनफॉल कहाँ होता है मथुरा में बॉर्डरिंग स्टेट अब अगर स्टेट के बारे में देखा जाए तो उत्तराखंड से शेयर करती है ये हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड और एक अपना दिल्ली ठीक है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करती है तो वो है आपका सोनभद्रा सोनभद्र किस किस स्टेट से शेयर करती है बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक बार अपन मैप में देख लेते हैं ताकि इजी रहेगा समझना ये है गाइस आपका सोनभद्र ठीक है सोनभद्रा से कौन कौन से स्टेट शेयर कर रहा है ये है आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड ये रहा बिहार ठीक है चार स्टेट से शेयर करते हैं ये तो ये मैक्सिमम शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया ये उत्तर प्रदेश का ठीक है और ये नेपाल से कितना किलोमीटर शेयर करता है बाउंड्री फोर फाइव सेवन नाइन किलोमीटर शेयर करता है ठीक है नेक्स्ट इज उत्तराखंड से एक बार अपन मैप में देख लेते हैं कि उत्तराखंड से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉलो करता है तो अगर हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से देख देखते हैं तो ये है अपना पहला सहारनपुर टच होता है यूके से दूसरा इज़ मुजफ्फ़रनगर बिजनौर मुरादाबाद रामपुर बरेली पीलीभीत टोटल सेवन डिस्ट्रिक्ट टचस विद उत्तराखंड ओके नेक्स्ट इज़ बिहार अगर हम बिहार की तरफ चले तो टोटल बिहार से भी सात डिस्ट्रिक्ट टच होती है उत्तर प्रदेश की तो ये है आपका पहला तो आपका सोनभद्र ये रहा सोनभद्र देन आपका रहा बलिया गाजीपुर चंदौली एंड एक सेकेंड फिर ये है आपका कुशीनगर कुशीनगर देवरिया और महराजगंज भी टच करता है फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से टोटल ग्यारह डिस्ट्रिक्ट टच होता है उत्तर प्रदेश का ये है पहला अपना ललितपुर झांसी, महोबा बांदा चित्रकूट इलाहाबाद मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्रा भी है सोनभद्र एक्चुअली टोटल ग्यारह डिस्ट्रिक्ट टच होता है और इस तरफ इटावा इटावा और जलोन और चित्रकूट भी टच करता है फिर हम अगर हरियाणा की तरफ जाएं, तो हरियाणा से टोटल छः डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं पहला सहारनपुर शामली बागपत फिर गौतम बुद्ध नगर अलीगढ़ मथुरा ठीक है ये छः डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं हरियाणा से फिर अगर देखा जाए तो सोनभद्र सिर्फ छत्तीसगढ़ से मिलता है मतलब छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र मिलता है और आपके राजस्थान से सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट मिलती है पहला आगरा और दूसरा मथुरा ठीक है और झारखंड से भी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट टच होती है वो है सोनभद्र झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दो डिस्ट्रिक्ट ये दो स्टेट से सिर्फ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट शेयर करती हैं बाउंड्रीज दैट्स ए ठीक है गाइस अब मेजर रिवर्स के देख लेते हैं गंगा है यमुना सरयो जिसे हम घाघरा भी कहते हैं रामगंगा गोमती केन और बेतवा ये मेजर रिवर्स हैं हम रिवर्स को कंप्लीट करेंगे अलग की अलग से वीडियो में जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की और रिवर्स डिस्कस करेंगे अपन उसमें दूसरा है अब अगर हम देखा जाए तो टॉपिक दूसरा है एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री एंड एन इरीगेशन ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया है टोटल ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी थाउजेंड हेक्टर्स चौदह पंद्रह के सेंसिस बता रहे हैं चौदह और पंद्रह इयर्स के नेट कल्टिवेटेड एरियाज़ देखा जाए तो 16,598,000 हेक्टर्स हैं एवरेज कल्टीवेटेड साइज़ देखा जाए स्टेट का तो 0.76 हेक्टेयर 2010-11 के अकॉर्डिंग टोटल एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग देखा जाए तो ये है आपका टोटल 17,089 हेक्टर्स ठीक है नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग देखा जाए तो ये है आपका टोटल टू 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 नाइन ये मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट रहेगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है 371 ग्राम पर डे फर्स्ट मिल्क यूनियन ये इंपॉर्टेंट है ये देख लेना फर्स्ट मिल्क यूनियन कब बना था 1938 लखनऊ में ठीक है देन टोटल इरिगेशन इरिगेटेड एरिया इज 204.3 लाख एंड फोर पॉइंट थ्री लैख हेक्टर्स है नेट इरीगेटेड हेक्टर्स इरीगेशन बाय डिफरेंट सोर्स 2019 के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है 2029 के हिसाब से ट्यूब वेल्स है ये टोटल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा इरीगेशन बाय डिफरेंट सोर्सेस देखा जाए तो ट्यूब वेल्स है सेवेंटी फोर परसेंट जो स्टेट में यूज़ होता है ट्यूब वेल्स दूसरा कैनल्स है फिफ्टीन परसेंट वेल्स है आपका एट पॉइंट और वहाँ टैंक्स लेक्स और पॉन्ड है पॉइंट फाइव परसेंट यूज में है और अदर इज पॉइंट सिक्स परसेंट टोटल इरिगेशन पोटेंशियल देखा जाए तो थ्री सिक्सटी सेवन लैक हेक्टर्स है ठीक है तो ये सब है एक बार ये देख लेना योजना है, ठीक है योजना है इम्पोर्टेंट है मैच द कॉलम्स में पूछ लिया था इस बार भी पूछ लेगा चांसेस हैं किसान बही योजना जब लॉन्च कब हुआ था 1992, चकबंदी योजना 1954, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 और ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है आपका 2009 में ठीक है अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी से देखा जाए तो टोटल लेंथ ऑफ रोडवेज इन यूपी कितना है 7,065 किलोमीटर और टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज कितना है 11,000 737 किलोमीटर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो यूपी से क्रॉस करता है वो है 19 टोटल कितने हैं 19 और ओल्डेस्ट नेशनल हाईवे कितना है टू उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कब बने हैं मैज द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है या नॉर्मल भी पूछ सकता है कितने हैं क्या है उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कब बना था आपका 1972 में बना था और गवर्नमेंट बसेस ये तो इतना है पोस्ट ऑफिस कितना है या आकाशवाणी सेंटर पूछ लेगा या फर्स्ट ट्रेन कब चली थी तो वो अलाहाबाद से कानपुर चली थी 1859 में और फर्स्ट एयर सर्विस कब हुआ था नाइनटीन से ठीक है अलाहाबाद टू तो नैनी टेलीफोन एक्सचेंज ये सब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अब देखते हैं द ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट इन स्टेट इज नारोरा बुलंदशहर 1989 में और नेशनल ना, थर्मल की सेंटर्स हैं अपने स्टेट में सेवन पावर कॉरपोरेशन है ठीक है अब स्टेट एम्बलम और सिंबल के बारे में देख लेते हैं स्टेट एम्बलम क्या है दो फिश है एक सर्कल में एक बो एरो है ये कब बना था 1938 में फिर एनिमल देखा जाए तो आपका बारह सिंगा है यूपी का जो स्टेट एनिमल है वो है बारा सिंगा जिसका साइंटिफिक नेम है रूसो जो वे चीला जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लो स्टेट बर्ड है आपका क्रेन और सैरस और स्टेट फ्लावर है आपका पलाश जो 2011 में अडॉप्ट किया था स्टेट ट्री जो है आपका अशोक है जैसे सारा का अशोक बोलते हैं फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज थी आपकी हिंदी जो कि 1947 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था सॉरी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था जन जनवरी uh, 1968 को सेकेंड स्टेट है लैंग्वेज आपका उर्दू जो कि नाइनटीन से uh, लागू है पीपल रिप्रेजेंटेटिव में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर आपका बाई कैमरल है और भी है इंडिया की और भी कौन कौन से स्टेट है जो कि बाई कैमरल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूपी के अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं 404 जिसमें से 403 इलेक्टेड रहेंगे और वन एक नॉमिनेटेड रहेंगे और uh, दूसरा इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है यूपी का 100 है ठीक है मेंबर ऑफ लोकसभा सीट कितनी है एटी है मेंबर ऑफ राज्यसभा कितना है थर्टी वन है डिस्ट्रिक्ट विथ हाइएस्ट असेंबली सीट्स तो सबसे ज़्यादा जिसमें जिस, डिस, जिस डिस्ट्रिक्ट में है सीट वो है प्रयागराज कितनी है टोटल बारह सीट्स हैं और लोवेस्ट किसकी है श्रावस्ती और महोबा दोनों और चित्रकोटी ये तीनों जिलों की सिर्फ दो दो सीट्स हैं ठीक है रिजर्व सीट जो की है एस की लोकसभा में वो कितनी है सत्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है और लार्जेस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यू